लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Mr. Ranganathan? Oh. Yeah, just hold on one second. Yeah, just hold on. Mr. Prashant? Yeah. Can you hear me? Tell me, sir. Okay. Ms. Patel, aap mujhe sun sakti hai, right? Yes. Yeah, yes. Ek second. I'll call you back. Yeah. Ms. Mansi Mehra? Hello. Okay. Aapne hamari US-based firm mein online job ke liye apply ki thi? Haan, maine kiya tha. Yeah, that's correct. Yeah, of course. Okay. To sabse pehle main aapko job ke bare mein bataungi. Yeah? Bataungi? Aap kaun bol rahe hain? Well, myself, Man Mehra. क्या मेरे बॉस ने कही है कि मैं आपके साथ हिंदी में ही बात करी और मेरी हिंदी थोड़ी यू नो वीक है तो प्लीज बेयर विद मी या ऑफ कोर्स थैंक यू जरूर जरूर सो देन लेट्स टॉक अबाउट द जॉब या ये मैनेजर की पोस्ट है पर इसमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जॉब आपको खड़े रहकर करनी पड़ेगी खड़े रहकर आई मीन कितने देर के लिए वेल दिन में 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन बीच बीच में बैठने या आराम करने तो मिलेगा ना नहीं कोई ब्रेक नहीं मिलेगा कभी कभी अपनी एसोसिएट्स को फुल नाइट अटेंशन देनी होगी फुल नाइट आई लव इट और साथ में आपको मेडिसिन और फाइनेंस की भी जानकारी होनी चाहिए और आपको कुकिंग भी आनी चाहिए कोई हॉलीडे कोई छुट्टी मिलेगी नहीं हॉलीडेज नहीं होगी आपको साल भर काम करनी होगी और इनफैक्ट दिवाली होली क्रिसमस न्यू ईयर्स के बाद आपकी वर्कलोड ज्यादा हो जाएगी दैट्स रियली इनह्यूमन ये लीगल है क्या अच्छा इसके लिए सैलरी कितनी मिलेगी कुछ नहीं नथिंग एट ऑल क्या कुछ भी नहीं इतना काम बिना सैलरी कौन बेवकूफ करता है यार अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बिना सैलरी इतना काम करते हैं तो नहीं नहीं मैं नहीं मानता कौन है ये लोग मॉम दुनिया की सारी माए दैट्स ट्रू हाँ आप सही कह रहे हैं यू आर राइट हाँ जिंदगी भर काम करती हैं लेकिन कोई पे नहीं लेती माय मॉम इज ग्रेट मॉम यू आर ऑसम छुट्टी के दिन हम घर में आराम करते हैं और वो घर में डबल काम कर रही होती है वो सबको खाना खिलाने के बाद ही सोती है आई लव यू मॉम आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच माय मॉम इज ग्रेट तू तो मेरा शॉर्ट फिल्म देख के रोने लगा मॉम आई कैन हेल्प इट आई एम सो प्राउड टू बी योर मॉम तुमने बहुत बड़ी बात कह दी बेटा ये शॉर्ट फिल्म हर एक इंसान को उनके मॉम के सैक्रिफाइसेस याद दिला देंगे रियली मेरी मॉम ने भी हमारे फैमिली के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए और आज भी उनकी शाम होती है तो अपने फैमिली के लिए और सुबह होती है तो अपने फैमिली के लिए नेम साहब क्या हो रहा ना वो गुप्ता जी है ना हाँ। उनकी बीबी है ना गई अरे नहीं मैं गई थी उनके घर मैम साहब कान्हा जी ने आपकी सुन ली अच्छा साहब को अवार्ड मिलने वाला है क्या बात कर रही है फोटो लो मुझे दे कान्हा जी मैंने आज तक आपसे जो भी मांगा आपने मुझे दिया आज भी इनको अवार्ड देकर आपने मेरी प्रार्थना सुन ली मैं अपनी मन्नत पूरी करने ना मंदिर जरूर आऊंगी हाँ ये आ गए मैं जल्दी आऊंगी हाँ हाँ मुझे मालूम है कि मल्होत्रा की बीवी उसे डिवोर्स देना चाहती है अरे ये तो होना ही था मैंने इतनी बार उसे समझाया कि अपनी बीवी को सर पर मत चढ़ा अरे 20,000 का जूता खरीदो या 200 का पहनना तो पैरों में ही पड़ता है ना सर पर रख के तो नहीं घूम सकते अच्छा ठीक है शाम को क्लब में मिलते हैं ओके ये लीजिए जी पानी तुम्हें कितनी बार कहा है चाय या पानी ट्रे में लाया करो ट्रे में ओह आप ग्लास पकड़ी मैं भी ट्रे लेकर आती हूँ
आइंदा ख्याल रखना जी। ये देखिए जी, मैगजीन में आपकी फोटो छपी है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, आए दिन किसी ना किसी मैगजीन में मेरी फोटो आते रहती है। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? हाँ साहब, खुशी की तो बात है ना, आपको अवार्ड मिले इसलिए मेम साहब ने कान्हा जी से मन्नत मांगी थी। कान्हा जी से कुछ मांगना ही था तो इसे कहो अपने लिए थोड़ी अकल मांगे। अवार्ड मुझे इसकी मन्नत की वजह से नहीं, अपनी मेहनत की वजह से मुझे मिल रहा है। हाय आरके। हेलो चांदनी, हाउ आर यू माय डार्लिंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो आपने दिया है, कंग्रेचुलेशंस फॉर द अवार्ड। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। आई वाज वेरी श्योर कि अवार्ड आपको ही मिलने वाला है। तुम्हारी बेस्ट विशेस थी तो मुझे अवार्ड कैसे नहीं मिलता? कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बोलो क्या पियोगी, ठंडा या गरम? नो नो, अब तो पार्टी में शैंपेन ही पियूंगी। श्योर श्योर। ओके बाय, सी यू। चलो मैं तुम्हें वहां छोड़ देता हूं। सो स्वीट ऑफ यू। कौन कहता है कि बुड्ढे इश्क नहीं करते? ये तो आप है जो उन पे शक नहीं करते। नहीं, दोनों साथ में काम करते हैं, ये दोस्त है उनके। हाँ ये दोस्ताना आप नहीं समझोगी मैम साहब। अच्छा ठीक है, तू जा अपना काम कर, बहुत बोलने लगी। जाती हूँ या भाई, संगीत तेरी कोई तरस नहीं। Congratulations, Dad, for the award. Thank you. तुम बताओ, तुम्हारा शेयर मार्केट कैसे चल रहा है? मार्केट तो ऊपर जा रहा है, सबका फायदा भी हो रहा है, सिवाय मेरे। सुखी तो बेटा, ये धागा बांध ले तू, तेरा भी फायदा होगा। ये क्या है मॉम? मंगल की छाया दूर करने का उपाय। क्या? हाँ, ये धागा तू बांध लेना, तेरे हिस्से का उपवास है ना, वो मैं कर लूंगी। ये धागा है ना बेटा, तेरा काम एकदम सफल करेगा। ला मैं बांध दू। मॉम, धागे से कोई आगे नहीं जाता, मेरे हिस्से का उपवास आप कर रही है ना? जी जरूर। तो ये धागा भी आप ही बांध लीजिए। What nonsense धागा। Hello, good evening everyone. Good evening. मशरूम एंड शिमला मिर्च की सब्जी, my favorite. ये लो आस्था बेटी, ये फोन नंबर रख लो। किसका है? वो सीरियल वालों का है। किसका? वो सीरियल है ना, खून की प्यासी बहू। उनकी नई सीरियल आने वाली है, मेरी सासू सबसे धांसू, वो तुझे रोल देने वाले हैं उसमें। पर मम्मी जी, मुझे फिल्मों में काम करना है, फिल्मों में, सीरियल्स में नहीं, समझे आप? सुकेतु प्लीज हैंडल हर। लेकिन बहू, आजकल लोग सीरियल से फिल्मों में जा रहे हैं। और अगर इसे फिल्मों से सीरियल में जाना हो तो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मॉम, समझो ना यार। मॉम मॉम। हाँ गार्गी। मॉम ये किसकी फोटो मेरे रूम में रखी है? अरे ये सबरवाल जी का बेटा है, इससे तुम्हारी शादी की बात चल रही है। डैड, मॉम से मैं 100 बार बोल चुकी कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी देखो ना। लेकिन बेटा, अब तुम 27 साल की हो गई हो और इस उम्र में तो तू मेरी गोद में थी। मैं अकेली नहीं थी मॉम, 2 और भी थे, और आगे से मेरी शादी का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज। अरे अरे, लेकिन गार्गी, खाना तो खा कर जा बेटा। जी जी, रोकिए ना इसे, उसे कहिए ना कि खाना खा कर जाए। जरूरत क्या थी शादी की बात निकालने की, तुम उसकी जिंदगी में क्यों दखल देती हो? उसके बिना मॉम को चैन कहाँ मिलता है डैड, बिना मांगे सलाह मशवरा देने बैठ जाती है। या इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड डैडी जी प्लीज ट्राई एंड मेक हर अंडरस्टैंड कि जॉइंट फैमिली में भी सबको अपनी स्पेस चाहिए होती है। चलो सुकेतु। अरे ऐसे भूखे मत उठो बेटा, खाना तो खा कर जा। खा लेंगे अपने रूम में सुकून से, चलो सुकेतु। अरे सुकेतु बेटा, समझाओ ना। मेरी समझ में नहीं आता, तुम इनकी जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करती हो? अरे लेकिन मैं तो सिर्फ इनका भला चाहती हूँ जी, ये बच्चे हैं हमारे, खून है अपना। अरे खून है अपना तो क्या जिंदगी भर इनका खून पीते रहोगी? ये आज के जमाने के बच्चे हैं, ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे, समझी? जिंदगी के गणित में हम सब 100 तक पहुंच गए और तुम वही के वही रह गई, 0। तुम्हारा काम है किचन संभालना, तुम किचन संभालो, समझ गई? थैंक यू। कान्हा जी, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो जाती है, मैं अपने परिवार वालों को खुश ही नहीं कर पाती। रत्ना, तो ऐसा कर, तो ये सब खाना गर्म करके ना सबको अपने अपने कमरे में पहुंचा देना, ठीक है? कोई भी भूखा सोए, ये अच्छी बात नहीं है।
रेखा देवा, मैम साहब इस घर का भला चाहती है लेकिन उनके जज्बात को कोई नहीं समझता। साहब को देख देख के बच्चे भी अपनी माँ का अपमान करने लगे। तेरी तो दो दो माएं हैं ना, तो इस माँ की हालत तू कैसे देख सकता है? देवा, ये औरत तेरे मंदिर में रोज दिया जलाती है, उसकी जिंदगी से अंधकार को दूर कर देवा, दूर कर। राखण करते आई एम हियर हस्बैंड जी डोंट टच माय बॉडी न पाहिल कुड। रे आई आई, कौन है बाबा? आई आई देवा। क्या हुआ रत्ना, क्यों चिल्ला रही है? मुझे पहचान ली? अरे मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगी रे। अच्छा, I love you नानी। मेरा बच्चा। I really missed you नानी। मेरा बच्चा। सालों के बाद तेरी प्यारी झप्पी मिली। याद है बचपन में जब मैं रोती थी या उदास होती थी तब भी तू मुझे ऐसी झप्पी देता था। तुझे याद है वो सब कुछ? मुझे सब याद है नानी, तेरा प्यार, गुस्सा, तेरी हाथ का लड्डू और अचार, हिंदी पढ़ते वक्त मेरी कान मरोड़नी और किसी की नजर ना लगे इसे ये काला धागा पहना। अरे तूने अभी तक पहना है बेटा? हे, पर तू रो क्यों रहा है नानी? तुझे इतने सालों बाद देखा ना, इसलिए। आंसू पोंछ ले नानी, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मन बेटा, तुमसे पिछले हफ्ते तो बात हुई थी, तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आ रहा है? अरे बता देती तो तेरे चेहरे पे ये सरप्राइज कैसे देखती? सरप्राइज? तूने तो मुझे शॉक दे दिया मेलिया। हे रत्ना, 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 I'm sorry. हे नानू, मामा, मामी, मासी, सब किधर है? Come on down, it's me, Man. Hey Man, what a pleasant surprise, huh? What a pleasant surprise. Hey Nanu, hey, मासे, मामे, मामा, hey नानू, कैसी है तू? तूने अपनी हिंदी अभी तक नहीं सुधारी है? Oh, मैं प्रैक्टिस कर रही है, सुधर जाएगी यू नो। ये तुम्हारे कपड़ों पे क्या हुआ? Oh, मैं रास्ते में से आ रहा था एयरपोर्ट से, हाँ। तो गोल गोल मैंने टमकी फोरी। अरे टमकी नहीं, मटकी। मटकी फोरी। मुझे क्या पिक्चर्स मिले, आई टेल यू रियली फाइन पिक्चर। अरे हाँ, आज शाम को ना तुम मेरे साथ मंदिर चलना, हाँ तुझे और भी अच्छी तस्वीरें मिलेंगी। आज शाम को गोविंदा की पूजा है। क्या कर रहा है? तेरी पूजा, हाउ डेयर यू? किसी अनजान लड़की की फोटो कैसे खींच सकता है तू? ऐसे ही। You? Hey, that's an expensive camera. देखो चिप निकाला, निकालोगे तो ये कैमरा चिप है, पर ये चिप नहीं। My pictures. Next time अगर तूने मेरी फोटोज खींची ना, तो तुझे भी मैं च्युइंगम की तरह चबा जाऊंगी, याद रखना। Listen, I can get mean. I can also get very mean. ये क्या हो रहा है? भारतीय आंटी। अरे कुछ नहीं, मैं इस ब्यूटीफुल लड़की की फोटो ले रही थी तो ये भड़क गया और गाय जैसे घास चबाता है वैसा मेरा कैमरा चिप चबा गई। नानी? क्या नानी, आप इसकी नानी हो? हाँ, यही तो है मेरा नवासा मन, जो अमेरिका में रहता है। मन? और ये रिया है, हमारी पड़ोस में रहती है, बड़ी प्यारी लड़की है। नानी, तू इस चिप छपाने वाले टेररिस्ट का नेबर कैसे हो सकता है? चिप। रिया, ये इंडियन हेरिटेज पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया है। या, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने आई है। हाँ। बनाने आई है? बस इसकी हिंदी सुधारनी है और इसे मुंबई घुमाना है, तू घुमा देगी ना? Anything for you, भारती आंटी। मैं इसे मुंबई घुमा दूंगी और इसकी हिंदी तो क्या, मैं इसे भी सुधार दूंगी। Sorry, I didn't get the last part. Good. नानी बता रहा था कि तू MBA कर रहा है, खुद का बिजनेस खोलेगा क्या? Yeah. Oh. अच्छा एक बात बताना, कल तू मुझे देख के इम्प्रेस हो गया था ना? क्या? इसलिए तो मुझे घुमाने के लिए तैयार हो गया। ओ हेलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ भारती आंटी की वजह से तुम्हें लेकर आई हूँ। इतनी स्पेशल है नानी? स्पेशल से भी ज्यादा। और तुम्हारा मॉम डैड? 8 साल की थी जब वो गुजर गए।
फिर चांदनी मासी ने मुझे पाला, पर उनके पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था। जब जब भारतीय आंटी ने प्यार से सर पे हाथ फेरा, मॉम डैड की कमी महसूस ही नहीं हुई। नानी, she's full of love. She's a darling. Yeah, she is. Wow, this is amazing. It's absolutely beautiful. हाँ, मुंबई में सिर्फ 2-3 फोर्ट ही बचे हैं अभी। Oh, really? Wow, जिधर देखो उधर रोमांस चल रही है। तुम इंडियन लोग अच्छा यूज करती है हेरिटेज साइट की। Very good, very good. Stop it. Okay. नहीं छोड़ूंगा, किसी रोमियो को नहीं छोड़ूंगा। कोने कापच में रोमांस कर रहे होगे, नहीं छोड़ूंगा। चलो चल के पकड़ते, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए, क्या कर रहे हो? अपनी संस्कृति के साथ क्या कर रहे हो? संस्कृति है? ये तो प्रकृति है, संस्कृति तो अंदर है सर। संस्कृति क्या? पुलिस की रेड है। पापा गग्गू, तू पहला बाहरा बाहरा, तू बाहरा हराम खोर, केमिस्ट्री की क्लास बोलकर बायोलॉजी पढ़ रहा है। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, पकड़ो। ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या बेशर्मी है, क्या बेशर्मी है, क्या सीन है सर? अरे चुप। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस धक्का लगा और हम नीचे गिर गए। देख रहा हूँ तुम लोग कितना नीचे गिर गए हो। अच्छा है सर। ए, अच्छा नहीं है। सब कुछ सबको पकड़ लाया। अरे चुप। ठीक है इन दोनों को भी अरेस्ट करो। नहीं नहीं सर प्लीज, ऐसा मत कीजिए। अरे क्यों ना करूँ? क्योंकि हम शादीशुदा हैं। या वी आर मैरिड। अरे शादीशुदा हो तो ये सब कुछ पब्लिक प्लेस में क्यों कर रहे हो? घर जाओ। हाँ, लेकिन अगर इसके घर जाएगी तो इसका हस्बैंड क्या बोलेगा, और मेरे घर जाएगी तो मेरी वाइफ क्या बोलेगी? राइट। क्या धोखाधड़ी कर रहे हो अपनी पत्नी और अपने पति के साथ? अरेस्ट देम। सर, प्यार करने वाली आपको क्यों खटकती है? क्योंकि इनकी बीवी भाग गई है। अरे फिर हम लोग क्यों करिए, हम लोग भी भागती है। चलो लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे मैं जिंदा हूँ। अरे वो भाग गई थी, ये लोग भी भाग गए, पकड़ो। अच्छा ये तो बता, ये सब गड़बड़ में आखिर तुमने फोटो खींचे कि नहीं? इतनी खींची कि भागते भागते थक गया। नानी, I love your सॉसर का घास। अच्छा yummy। सॉसर का घास नहीं, सरसों का साग। सेम थिंग। सॉसर ठीक है, रहने दो, तू खा, मैं और लेके आती हूँ। Hey, mommy, कहाँ जा रहे हैं? ऑडिशन पे। It's going to be such a tiring day. रोज 100 लोग आते हैं ऑडिशन पे। You know, मन, यहाँ हर एक लल्लू पंजू को स्टार बनना है। Yeah, वो मुझे दिखती है। What? Yeah, मैं बाकी के 99 लोगों के बारे में बोली, तुम्हारे बारे में नहीं। Hey, mommy, तुम अपने हाथों का खाना कब खिला रहे हैं? खाना? It's not my business. शादी के पहले ही मैंने सुकेतु को बोल दिया था मैं कोई काम नहीं करूंगी। तब सुकेतु ने कहा था मेरी माँ है ना, कहा था ना सुकेतु? हाँ हाँ कहा था, और मेरी माँ ही तो संभाल रही है सब कुछ। अरे आस्ता बेटा, तू भी एक पराठा खा के जा। नहीं। अच्छा तो मैं टिफिन पैक कर दूँ तुम्हारे लिए? ऑडिशन पे टिफिन? सुकेतु प्लीज हैंडल हो। ये लो मन बेटा। ओह थैंक्स नानी। सुकेतु तू भी एक खा। क्या कर रही हो मॉम, इरिटेट मत करो। तुम्हें पता है ना कि मक्खन वाले पराठे मैं नहीं खाता। मेरे लिए सूप और सैलेड लेकर आओ। वो भी तैयार है, मैं भी लेकर आती हूँ। हाँ साहब, आपको मिलने ना कोई साकिना का भाई आया है, मैंने उसको गार्डन में बिठा के रखा है। ओह माय गॉड, ये घर पे कैसे आ गया? मॉम, उसे जाकर कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। मैं? हाँ। नहीं बेटा, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। अरे तो हाँ झूठ बोल दो ना, उसे कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। जाओ 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 जा।